नमस्कार दोस्तों, सुनील रेगे की टेस्टी डिशेस में आज आपका फिर स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कोफ्ता करी। तो शाही कोफ्ता करी में क्या-क्या चीजें लगती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आलू को मैश करके लिया है, पनीर लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज है, यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची कटी हुई है, फिर मैंने लिए हैं दो टमाटर जिसको प्यूरी बनाने के लिए बॉईल भी करके रखा है, और उसके साथ में हमने लिया है ये अपना कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर ये भी इसमें डालेंगे। तो आइए एक-एक चीज हम डालकर देखते हैं कैसे बनती है शाही कोफ्ता करी। सो दोस्तों, मैंने दो आलू को बॉईल करके उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और इसमें ये जो पनीर देख रहे हैं, अब हम इस पनीर को भी थोड़ा सा इसमें मैश कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे ये कटा हुआ हरी कटी हुई हरी मिर्च और अदरक को कद्दूकस करके, और फिर उसमें डालेंगे हमारा कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर जो कि बाइंडिंग मटेरियल का भी काम करता है। तो दोस्तों, उबले हुए आलू में हमने पनीर बहुत अच्छे से मैश कर लिया, फिर उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बारीक कटी हुई मिर्ची डाली है, और हमने अदरक को कद्दूकस किया है या ग्रेट करके डाला है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची और 2 चम्मच हमारा कॉर्नफ्लावर और नमक स्वाद अनुसार। तो ये सब डालने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो इसमें हमने हल्दी, मिर्ची, नमक और कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, अब इसके हम कोफ्ते गोले बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये कोफ्ते बना लिए हैं। इसको आप कैसे भी शेप में बना सकते हैं, आप चाहें तो गोल बना सकते हैं इस तरह से, फ्लैट, आप छोटे बड़े जैसे भी चाहें बना लेके इस तरह से रख लें, और फिर इसको अब हम तल लेते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हमने तलने के लिए तेल गरम कर लिया है, अच्छा तेल गरम होना चाहिए। तो अब हम एक-एक करके कोफ्ते को डालेंगे और तलते जाएंगे। अब जैसा मैंने बताया, एक-एक करके हम इसको निकाल लेते हैं और तल लेते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, कोफ्ते तलने के बाद देख रहे हैं आप कितने बढ़िया सिक गए हैं, अच्छा ब्राउन कलर आ गया है उस पे। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे और उसकी करी की तैयारी करेंगे। तो करी बनाने के लिए हमने जो टमाटर बॉईल किए हुए थे उसकी पहले प्यूरी बनाते हैं। तो ये टमाटर जैसा कि देख रहे हैं, हमने इसका छिलका उतार लिया है और मिक्सर से इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, करी बनाने के लिए हम इसको प्याज जो काट लिया है उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है, अदरक डाला है, और हमने पहले ही प्यूरी बना के रख ली है। तो अब पहले इस प्याज और अदरक और लहसुन के मिक्सचर को भी हम एक बार हल्का सा मिक्सर में चला के ग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये करी बनाने के लिए हमने अदरक, लहसुन और प्याज को ये अपना मिक्सर में चला लिया है, और वैसे ही टमाटर की भी प्यूरी बनाकर रख ली है। अब हम इसको करी बनाने के लिए प्याज को जो हमने मिक्सर में चला रखा था इसको हम भूनने शुरू करेंगे। तो दोस्तों, करी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है जो अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा तड़कने के बाद अब हम इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए डालेंगे तेजपान, पत्थर फूल और एक बड़ी इलायची। ये थोड़ा हल्का सा जब भुन जाएगा तो अब हम इसमें जो हमने प्याज को पीस के रखा था उसको ऐड कर देंगे।
अभी पूरे मिक्सर को अच्छे से भूनते हैं। कोई भी करी में प्याज धीमी आंच पर जब अच्छा भुना जाता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, प्याज अच्छी तरह से भुन गया है और उसकी निशानी है कि उसने थोड़ा सा तेल अपना छोड़ रखा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टमाटर की प्यूरी। और टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। तो दोस्तों, टमाटर की प्यूरी और प्याज जो हम भून रहे थे, अब उसमें हमने थोड़ा सा बटर ऐड किया है। क्योंकि ये शाही है तो बटर तो चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें बटर भी डाला है जो स्वाद भी बढ़ाएगा और इसको अच्छा रिच लुक देगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो दोस्तों, इसमें हमने डाला था हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्का सा हमारा गरम मसाला। तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, हमने उसमें पानी मिला दिया था और अब ये शाही कोफ्ता करी की करी ऑलमोस्ट तैयार है। वो हमने जो कोफ्ते तल के रखे हुए हैं वो इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको उबलने देंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह से एक जान हो जाएं और उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, तैयार है शाही कोफ्ता करी। तो इसके साथ आप पराठे या फिर फुलके या जो भी आपके यहाँ पे बनता है वो बना के और खिलाइए। तो दोस्तों, ये डिश आपको कैसी लगी जरूर शेयर करें और लाइक कर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।